ये कहानी है 15 साल के एक लड़के की, जिसे अपनी मॉम से प्यार हो जाता है और वो अपनी आवाज मिटाने के लिए क्या क्या करता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है मर्मर ऑफ द हार्ट और ये 1972 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम लॉरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो फ्रांस की सड़कों में लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपने देश के सोल्जर्स की मदद कर सके, क्योंकि इस समय इंडो और चाइना के बीच वॉर चल रहा था जिसमें फ्रांस भी इन्वॉल्व था। डोनेशन इकट्ठा करने के बाद लॉरेन और उसका दोस्त एक बुक स्टोर में जाते हैं, जहां पर मौका देखकर लॉरेन एक बुक चुराता है और जाते समय वो बुक स्टोर के ओनर से भी डोनेशन लेता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम लॉरेन की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसके मॉम डैड और दो बड़े भाई थे। लॉरेन के दोनों भाई काम करके पैसे कमाते थे। लॉरेन उन्हें देख के सोचता है कि काश वो भी उन्हीं की तरह काम करके पैसे कमाए। लॉरेन की मॉम कैरल सबसे ज्यादा लॉरेन से प्यार करती थी, तो वहीं लॉरेन के डैड चार्ल्स एक डॉक्टर थे। वो अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते थे। तभी वहाँ उसके दोनों भाई आते हैं और वो लॉरेन को परेशान करने लगते हैं, तो लॉरेन भी उनके साथ मस्ती करने लगता है और ये तीनों अपनी पैंट उतार कर एक दूसरे का हथियार नापने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ उसकी मेड आ जाती है और वो उन लोगों को डांट के वहाँ से भगा देती है। अगले दिन जब लॉरेन स्कूल जाता है, तब उसके फादर उसे डांटने लगते हैं क्योंकि आज वो बहुत ही लेट आया था। क्लास के बाद लॉरेन और उसका दोस्त एक जगह पे बैठ के स्मोक करने लगते हैं। इसके बाद जब वो घर जा रहा था, तब वो अपनी मॉम को देखता है, जो किसी गैर मर्द के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी। ये देखकर लॉरेन समझ जाता है कि उसकी मॉम का किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो घर चला जाता है। आगे वो गुस्से में ये बात अपने डैड को बताने जाता है, पर उसके डैड एक पेशेंट के साथ बिजी थे, इसलिए वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर लॉरेन घर आकर अपने कपड़े फाड़ने लगता है और अपने भाइयों से भी बात नहीं करता। इसके बाद जब वो डिनर कर रहे थे, तभी लॉरेन की मॉम उस आदमी से मिलकर घर आती है और लॉरेन से प्यार से बात करने लगती है, पर लॉरेन अंदर ही अंदर उन पर गुस्सा हो रहा था, इसलिए वो उन्हें इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है, तब वो फादर के पास अपनी गलतियां कबूल करता है। वो अपनी गलतियां कबूल करते हुए कहता है कि मैंने पेरेंट्स से झूठ बोला है, मैं स्मोक करता हूँ और कभी कभी तो मैं मास्टरबेट भी करता हूँ। फादर उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था और आज से तुम्हें ये गंदी आदतें छोड़नी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी लॉरेन अपने फ्रेंड के साथ स्मोक करना जारी रखता है। जब वो घर पहुंचता है, तब वो देखता है कि उसके दोनों भाइयों ने अपने फ्रेंड को घर बुलाकर पार्टी कर रहे थे, तो लॉरेन भी उनके साथ शामिल हो जाता है और एक लड़की लॉरेन के करीब आती है और उसे किस करती है, पर तभी वहाँ उसकी मेड आ जाती है और वो लॉरेन को डांट के वहाँ से भगा देती है। अब रात को लॉरेन के दोनों भाई लॉरेन को एक क्लब में ले जाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके दोनों भाई यहाँ कई बार आ चुके थे। अब यहाँ एक लड़की लॉरेन के करीब आती है जिसका नाम ट्रेंडा होता है। वो लॉरेन से बातें करती है और फिर उसे एक रूम में ले जाती है, जहाँ पहली बार लॉरेन एक लड़की के साथ इंटीमेट होता है। फिर इसके बाद लॉरेन स्कूल के स्काउट ट्रिप पर चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे वापस घर भेज दिया जाता है। जब डॉक्टर लॉरेन के घर आता है, तब वो उन्हें बताता है कि लॉरेन को स्कारलेट फीवर हुआ है और उसे ठीक होने में ऑलमोस्ट एक मंथ का टाइम लग सकता है, इसलिए डॉक्टर उन्हें कहता है कि लॉरेन का अच्छे से ख्याल रखा जाए। इसके बाद लॉरेन की मॉम लॉरेन के पास आती है और वो लॉरेन को बताती है कि जब मैं 3 साल की थी, तब मेरी मॉम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो कहती है कि मेरे डैड एक पॉलिटिशियन थे और वो ठीक तुम्हारे डैड की तरह अपने काम में बिजी रहते थे और हर रात एक नई लड़की के साथ घर आते थे। आज तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है। ये कहकर लॉरेन की मॉम वहाँ से जाने लगती है। तब लॉरेन अपनी मॉम को विंडो से देखने लगता है और उसकी मॉम उसी आदमी के साथ चली जाती है। जब लॉरेन का रिपोर्ट आता है, तब सबको पता चलता है कि लॉरेन को एक दिल की बीमारी है, जिसे मर्मर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के लिए सब लोग लॉरेन का साथ देते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे टाइम बीता है, लॉरेन अब ठीक होने लगता है। एक दिन लॉरेन के क्लास फादर लॉरेन से मिलने आते हैं, जहां वो लॉरेन की मॉम को बताते हैं कि इस बीमारी के बाद लॉरेन और भी मैच्योर हो गया है और वो पढ़ाई में भी बेहतर कर रहा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि लॉरेन को अभी भी अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो अगले दिन लॉरेन के पेरेंट्स लॉरेन का इलाज करने के लिए शहर जाते हैं। वो तीनों एक होटल में रुकते हैं।
जहां उन्होंने दो रूम बुक करने के लिए कहा था, लेकिन एक सिक्योरिटी के गलती के चलते उन्हें सिर्फ एक ही रूम मिलता है और बदकिस्मती से दूसरे रूम भी खाली नहीं थे, इसलिए लॉरेन और उसकी मॉम को एक ही रूम में रहना पड़ता है और लॉरेन के फादर वापस घर चले जाते हैं। अब उस होटल में लॉरेन हेलन और डेफरी नाम की दो लड़कियों से मिलता है और उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। धीरे धीरे अब लॉरेन हेलन को पसंद करने लगा था और एक दिन वो हेलन से मिलने उसके रूम में चला जाता है, जहां वो हेलन के करीब जाने की कोशिश करता है, पर हेलन उसे रोकते हुए कहती है कि वो अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। फिर एक बार जब लॉरेन की मॉम नहा रही थी, तब लॉरेन उन्हें देखने लगता है। जब इस बात का पता उसकी मॉम को चलता है, तब वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब उसकी मॉम उसे पूछती है कि वो उन्हें क्यों देख रहा था। तब लॉरेन कहता है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता है। वो उसकी मॉम पर बहुत ही गुस्सा होता है और उनसे बात भी नहीं करता। जब वो सो रहा था, तब उसकी मॉम उसके पास एक लेटर रख के चली जाती है। जब वो उठता है, तब वो लेटर पढ़ता है जिसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि उसे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा है और वो दो दिनों में लौट आएगी। ये पढ़ के लॉरेन समझ जाता है कि उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। जब लॉरेन की मॉम वापस आती है, तब वो बेड पर लेटकर रोने लगती है। तब लॉरेन उसके पास जाता है और उन्हें पूछता है कि वो रो क्यों रही है। तब वो बताती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तब लॉरेन उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि जो हुआ सो हुआ, तुम्हें उससे भी अच्छा मिल जाएगा जो तुम्हें बहुत ही प्यार करेगा। तब लॉरेन की मॉम को ख्याल आता है कि वो ये सब अपने बेटे से डिस्कस कर रही है और वो लॉरेन से सॉरी कहती है। तब लॉरेन कहता है कि मैं आपका बेटा जरूर हूँ, पर मैं तुम्हारे फ्रेंड जैसा हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और दोनों खुल के बातें करते हैं। रात को जब वो पार्टी में जाते हैं, तब वहाँ वो दोनों ड्रिंक करते हैं और जब वो दोनों घर आते हैं, तब वो अपना होश खो बैठते हैं और दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद लॉरेन को बहुत ही बुरा फील होता है और वो अपनी मॉम से सॉरी कहता है। तब उसकी मॉम कहती है कि हमारे बीच जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था और हम दोनों को कुछ भी होश नहीं था और इसके बाद हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और इस बात को हमेशा सीक्रेट रखेंगे। तो लॉरेन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद लॉरेन हेलन के पास जाता है और हेलन के मना करने के बावजूद भी उसे टच करने लगता है। इस वजह से हेलन उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद लॉरेन डेफनी के कमरे में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह जब वो उसके डैड और उसके भाइयों को देखता है, तब उसे लगता है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया, इसलिए वो थोड़ा डरने लगता है। लेकिन लॉरेन की शक्ल पर सब लोग हंसने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।